तो भाई लोग, कैरिबियन प्रीमियर लीग 2024 का जो मैच नंबर 8 है ना, इसमें एंटीगुआ बारबुडा फाल्कोंस के सामने होगा त्रिनबागो नाइट राइडर्स। अगर मैं बारबुडा की बात करें, एंटीगुआ बारबुडा की, तो भैया चार मैच खेले, चारों अपने घर में खेले और चारों मैच में हार गए। जो नई टीम आई थी और नई टीम की जो शुरुआत हुई है ना, बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ है। इनकी जो दुर्दशा है बहुत ज़्यादा खराब है। वहीं त्रिनबागो नाइट राइडर्स की बात करते, एक ही मैच खेला है CPL 2024 का, उसे जीता, क्योंकि जो इनकी टीम है खतरनाक है। अब ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो क्या होगा आज के इस मैच में, क्योंकि ये दोनों टीमें इतिहास का हेड टू हेड पहली बार आमने सामने होंगी, क्योंकि एंटीगुआ 2013-14 में दूसरी टीम थी, अभी दूसरी टीम बनकर आई है। तो ये दोनों टीमें पहली बार मैच खेलेंगी। जब पहली बार मैच खेलेंगी तो कौन सी टीम करेगी बाजी अपने नाम, चलो एनालिसिस करते हैं, पता लगाते हैं। बस उससे पहले, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लोग, जिन लोगों ने अभी तक ना किया हो यार कर लो, बाकी जिन लोगों ने पहले से करके रखा उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपको मेरा टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि टेलीग्राम पे मैं जिस टीम को बोलता हूँ ये टीम मैच जीत सकती है, लगभग वो टीम मैच जीत जाती है। जिस ओवर में बोलता हूँ विकेट जाएगा, लगभग उसी ओवर में विकेट जाता है। 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलता हूँ बनने के लिए ना, लगभग उतने ही रन बनते हैं। इतनी जबरदस्त अपडेट कहीं मिलेगी आपको? कहीं भी ना मिलेगी, आपको यकीन नहीं है, ऐसी बात है। तो ऐसा करो, अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिलेगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, ज्वाइन करो। और जो आज का मैच है ना, एंटीगुआ एंड बारबुडा वर्सेस त्रिनबागो नाइट राइडर्स में, इस मैच की सारी अपडेट आपको चेक करनी है। अगर आपको सारी अपडेट सही मिलती है, मेरा काम पसंद आता है, तो टेलीग्राम पे बन जाना, टिक जाना, कहीं पे भी जाने वाने की जरूरत नहीं है। हाँ, काम पसंद ना आए तब आप वापस आ जाना, क्योंकि आने जाने का कोई पैसा नहीं लगता। बाकी अगर हम इस मैच की बात करें तो फ्राइडे 6 सितंबर इंडिया टाइम अनुसार वही 4:30 AM बिल्कुल रात में ये मैच खेला जाएगा। ये जो मैच है सर, विवियन रजर्स स्टेडियम नॉर्थ साउंड एंटीगुआ के मैदान पे खेला जाएगा। इस मैदान पे अभी तक 10 मैच खेले गए CPL के, एक मैच में टारगेट डिफेंड हुआ, 9 मैच में टारगेट जीत, यानी ये इस मैदान पे चेज होता है। डिफेंड गलती से कहता मैच में हुआ, नहीं तो सारे मैच में चेज हुए। क्यों? क्योंकि पहली इनिंग के मुकाबले दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करना आसान होता है। क्यों आसान होता है आगे बताऊंगा। जो एवरेज स्कोर है 154, मतलब पहली इनिंग में ज़्यादा रन बनते नहीं, जो सेकंड इनिंग में आसानी के साथ चेज हो जाते हैं। टारगेट चेज की बात करें तो 150 के नीचे स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकते हैं। टारगेट डिफेंड की बात करें तो 166 प्लस स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 150 से 166 के बीच में स्कोर होगा तब क्या होगा? तब समझ जाना कि भैया जो मामला है वो तो बराबर का आ गया, जो चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। अगर हम यहाँ के सरफेस की बात करें तो ड्राई एंड हार्ड है, या हम ड्राई सरफेस कह सकते हैं। तो ऐसे में होता क्या, जो टीम यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करने आती है तो शुरू के 4-6 ओवर जो तेज गेंदबाज है, या 3-4 ओवर थोड़ा बहुत स्विंग करती है, हवा में हरकत करता है, शुरू के 4-6 ओवर बल्लेबाजी करना मुश्किल होता है, क्योंकि तेज गेंदबाजों की जो बॉल होती है थोड़ा सा स्विंग करती है। लेकिन जब बॉल पुराना हो जाता है तो जो स्पिनर्स गेंदबाज है या जो स्लोवर गेंदबाज है उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है टूट जाती है। जब टूट जाएगी तो कंडीशन स्लो हो जाएगी, जब पिच टूटेगा तो ऐसे में जब बॉल होगा बैट पे काफ़ी ज़्यादा रुक के आता है, चौके छक्के लगाना छोड़िए विकेट बचाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है स्पिनर एंड स्लोवर गेंदबाजों के सामने। इसलिए शुरू में तेज गेंदबाजों को, बाद में स्पिनर एंड स्लोवर गेंदबाजों को हेल्प करता है, तो बल्लेबाजी करना पहली इनिंग में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जबकि बाउंड्री लेंथ 56 से 65 मीटर की छोटी बाउंड्री, लेकिन इतना ज़्यादा हेल्प करता है गेंदबाजों को कि रन बनते नहीं है। ये तो पहली इनिंग की कहानी होगी। पता है दूसरी इनिंग में क्या होता है? जब बॉल नया होता तब बॉल बैट पे अच्छे से आता, क्योंकि जब पिच फ्रेश नहीं होता, 20 ओवर का मैच हो चुका होता, स्विंग नहीं मिलती तेज गेंदबाजों को। जब स्विंग नहीं मिलती तो शुरू के 4-6 ओवर रन बनते। हाँ, जब बॉल पुराना हो जाता तो तब स्पिनर्स गेंदबाज स्लोवर गेंदबाजों को सेकंड इनिंग में हेल्प करता, लेकिन शुरू में बल्लेबाजी के लिए बढ़िया होता। इसलिए पहले देखा होगा 10 मैच में से बस एक मैच में टारगेट डिफेंड हुआ, चेज ज़्यादा हुए 9 मैच में। क्यों? क्योंकि पहली इनिंग के मुकाबले दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करना आसान है। अगर हम आज के मैच की बात करें, जो आज का मैच है ना, ये भी आपको मीडियम स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। बात करें पावर प्ले स्कोर की तो 47 से 52 के बीच में देखने को मिल सकता है। 20 ओवर स्कोर की बात करें 145 से 160 के बीच में स्कोर देखने को मिल सकता है। अगर हम इस मैदान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो एंटीगुआ बारबुडा ने चार मैच खेला अपने घर में, चारों मैच हार के जीत का खाता ना खुला। त्रिनबागो नाइट राइडर्स इस मैदान पर पहली बार CPL का मैच खेलेगा, जब पहली बार खेलेगा तो क्या होगा, चलो पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कोंस की। अगर हम इनकी ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो फखर जमान एकाता मैच छोड़कर लगभग सभी मैच में बढ़िया शुरुआत दिला रहे हैं। इनके साथ जो अगले बल्लेबाज पिछले बल्लेबाज थे उनका नाम भूल गया, वो तो फ्लॉप ही थे। पिछले मैच में जस्टिन ग्रीव्स को इनके साथ खेलने का मौका मिला, जस्टिन गुरुरव ने शुरुआत ठीक ठाक दिलाई लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी पारी नहीं खेल पाए। तो हम कह सकते हैं फखर जमान बढ़िया शुरुआत करें, लेकिन उसके बाद जो उनका जो साथी हैं
वो ज़्यादा अच्छा अभी तक परफॉर्म ना कर पाए। कॉफी जेम्स तीसरे नंबर पे खेलने आते हैं, एक दो मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस करी, 25-30-35 रन बनाए, लेकिन लंबी पारी कॉफी जेम्स भी नहीं खेल पा रहे हैं। बात करें अगर हम यहाँ पर जेवल एंड्रू की, तो एक मैच में चल रहे हैं, एक मैच में फ्लॉप हो रहे हैं, चार मैच खेला, दो मैच में हाफ सेंचुरी लगाई, दो मैच में फ्लॉप रहा है, तो जेवल एंड्रू एक मैच में चलते हैं, एक मैच में नहीं चलते। सैम विलियम्स की बात करें, चार के चारों मैचों में फ्लॉप, एक भी मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस ना कर पाए। तो अगर हम यहाँ पे ऊपर की जो टॉप फाइव बल्लेबाज हैं उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो आधी अधूरी परफॉर्मेंस दिख रही है, कोई चलता है कोई नहीं चलता। इमाद वसीम की बात करें तो काफी बढ़िया ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सभी मैच में एक आता दो विकेट चटका दे रहे हैं और रन भी 30-35-40 बना देते। जो इमाद वसीम की फॉर्म है ना वो आ चुकी है, एज ए बैटर एंड एज ए गेंदबाज बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। फेबियन एलन की बात करें तो ये भी जिस तरह के ऑलराउंडर है ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं कर सकते लेकिन फिर भी फेबियन एलन ठीक ठाक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे किस गिन कप्तान की बात करें तो एक मैच में बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, एक मैच में बढ़िया गेंदबाजी नहीं कर पा रहे, विकेट नहीं मिल पा रहा, तो क्रिस गेल की जो कप्तान है इनकी जो फॉर्म है आधी अधूरी है। बल्लेबाजी में आपको पता कभी चलते कभी नहीं चलते, बल्लेबाजी हटा दो लेकिन प्रॉपर गेंदबाजी भी कप्तान क्रिस गेल अच्छा ही नहीं कर पा रहे। रोशन पिरामस की बात करें तो इन्होंने बस एक आता ही मैच में बढ़िया गेंदबाजी करी, बाकी सभी मैचों में फ्लॉप, इनकी भी जो गेंदबाजी बढ़िया नहीं चल रही। मोहम्मद आमिर चार के चारों मैचों में फ्लॉप, एक मैच में एक विकेट मिला, लेकिन आमिर जिस तरह के गेंदबाज है वो लय में बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, सभी मैच में महंगे साबित हो रहे हैं, विकेट भी मोहम्मद आमिर को नहीं मिल रहा। सामा स्प्रिंगर की बात करें तो बढ़िया गेंदबाज है, एक आता मैच छोड़कर सभी मैचों में लगभग बढ़िया गेंदबाजी करी, बीच में एक आता मैच में इनको खिलाया भी नहीं गया, ओवरऑल सामर स्प्रिंगर ने बढ़िया गेंदबाजी करके दिखाई है। तो ओवरऑल जो बारबुडा एंटीगुआ की टीम है बहुत ही खराब परफॉर्मेंस कर रहे, एक आता दो बल्लेबाज बढ़िया या तीन बल्लेबाज बढ़िया करें, दो तीन गेंदबाज बढ़िया कर रहे हैं, बाकी आधी टीम बिल्कुल फ्लॉप है, चाहे बल्लेबाजी की बात करें या फिर गेंदबाजी की बात करें। तभी जो चार मैच खेला चारों मैच हार गए। बात करें त्रिबागो नाइट राइडर्स की, एक मैच खेला जीता, क्योंकि उस मैच में जैसा रोए तो नहीं चले, उनकी जो फॉर्म है उतनी ज्यादा अच्छी है भी नहीं जो पिछले मैच में दिखा भी, लेकिन सुनील नारायण एज ए बैटर फॉर्म में नहीं थे लेकिन अपने सरजमी पे आते ही बढ़िया परफॉर्मेंस करना चालू किया, रन बनाए, बढ़िया शुरुआत करी, गेंदबाजी से तो हमेशा फॉर्म में थे, हमेशा विकेट चटकाते, तो वो फॉर्म तो गेंदबाजी से दिखी, लेकिन जो बल्लेबाजी से थोड़ा सा रन ढूंढ रहे थे वो यहाँ पे इनको मिला। लेकिन जैसा रॉय आउट ऑफ फॉर्म थे, यहाँ पे भी आउट ऑफ फॉर्म दिखे। निकोलस पुरन आप सबको पता वन मैन आर्मी की तरह खेलते हैं और पिछले मैच में वही हुआ, आए वन मैन आर्मी की तरह खेले, तगड़ा स्कोर बनवाया अपनी टीम के लिए। सेक्री पेरिस को पिछले मैच में डेब्यू करने का मौका मिला सीपीएल में, लेकिन इनकी जो बल्ला है वो नहीं चला। बात करें कैसी के जो वेस्ट इंडीज के लिए भी खेल चुके हैं, तगड़े बल्लेबाज हैं, समझदारी के साथ खेलते, पिछले मैच में भी उन्होंने रन बनाया और तगड़ा रन बनाया, किसके, निकोलस पूरन के साथ। बात करें अगर हम यहाँ पे कप्तान करण पोलार्ड की, तो बल्लेबाजी का नंबर बिल्कुल आखिरी में है, एक दो बॉल ही मिली। वैसे भी जो करण पोलार्ड की फॉर्म है एज ए फिनिशर बढ़िया चल रही है, अभी आपने 100 में देखा होगा, यहाँ पे नंबर ही नहीं है तो क्या ही कह सकते हैं हम। ड्वेन ब्रावो की बात करें तो ड्वेन ब्रावो की जो गेंदबाजी थी वो नहीं चली, दो ओवर में 19 रन दिए थे, विकेट इनको नहीं मिला था, थोड़ा सा बूढ़े भी हो चुके हैं, उम्र का तकाजा दिखता भी है। बल्लेबाजी का नंबर आया नहीं ड्वेन ब्रावो का, गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं कर पाए, फॉर्म भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है ड्वेन ब्रावो की। नाथन एडवर्स को भी डेब्यू करने का मौका मिला और बढ़िया गेंदबाजी करी, विकेट चटकाई, किफायती रहे, जबरदस्त गेंदबाजी करी। जोशुआ लिटिल ने भी बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करी, ये भी किफायती रहे, विकेट चटकाए, जोशुआ लिटिल की जो फॉर्म है वो अच्छी है भी। वकार सलाम खिल की बात करें तो इनको भी मौका मिला, इन्होंने भी तगड़ी गेंदबाजी करी, विकेट चटकाए, किफायती रहे, और वकार सलाम खिल की भी जो फॉर्म है वो तगड़ी है, जहां भी जाते हैं बढ़िया गेंदबाजी ये भी करते हैं। टेरेंस हिंट्स को भी डेब्यू करने का मौका मिला और डेब्यू मैच में जबरदस्त गेंदबाजी करी, किफायती रहे, विकेट चटकाए। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे त्रिबागो नाइट राइडर्स की बात करें तो बल्लेबाजी में एक आता बल्लेबाज को छोड़कर सारे बल्लेबाज बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बढ़िया फॉर्म में। गेंदबाजी की बात करें तो एक आता गेंदबाज छोड़कर सारे गेंदबाज बढ़िया फॉर्म दिखा रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। तो जो त्रिबागो नाइट राइडर्स की टीम है तगड़ी नजर आ रही, इसलिए जो पहला मैच खेला उसे जीता। अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट 6 मैच के भी यहाँ पे कंपेरिजन करें तो भैया एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कोंस ने 6 नहीं अभी सब 4 मैच खेला, चारों मैच हारे, एक भी मैच ना जीता। त्रिबागो नाइट राइडर्स की बात करें तो आखिरी के 6 मैच में 5 मैच जीता, एक मैच हारे, नहीं त्रिबागो बढ़िया खेल रहा है। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 179 के आसपास वेस्ट इंडीज की स्लो पिचों पे बल्लेबाजी एवरेज यानी तगड़ा है। बात करें अगर हम यहाँ पे एंटीगुआ एंड बारबुडा की तो 162 यानी जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। बात करें गेंदबाजी एवरेज की 8.41 जो गेंदबाजी एवरेज होता है ना, हम इसे बहुत अच्छा कहेंगे ना बहुत ज्यादा खराब कहेंगे, यानी जो इनके गेंदबाज हैं लगभग 170 के आसपास रन खाते हैं और बल्लेबाज 160 ही तक पहुंच 160-162 तक पहुंच जा रहे थे, ऐसे में कहां जीतेंगे, तभी सारे मैच हार गए। बात करें अगर हम यहां पर त्रिबागो नाइट राइडर्स की जो इनका गेंदबाजी एवरेज है 8.87 हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा गेंदबाजी एवरेज अच्छा नहीं है त्रिबागो नाइट राइडर का, यानी जो इनके गेंदबाज है लगभग
180 के आसपास रन खाते हैं या 175 के आसपास रन खाते हैं, बल्लेबाज 175-180 तक पहुंच जाते हैं, मतलब जितना रन खाते हैं बल्लेबाज उतना रन बना देते हैं। तभी आखिरी के 6 मैच में 5 मैच जीता, बस एक मैच हारा। तो बल्लेबाजी एवरेज त्रिनबागो नाइट राइडर्स का काफी ज्यादा बेहतर है किससे, एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन से। रिजल्ट भी त्रिनबागो नाइट राइडर्स का बहुत ज्यादा अच्छा है किससे, बारबुडा से। एंड गेंदबाजी एवरेज की बात करें लगभग दोनों टीमों का एक जैसा ही नजर आ रहा था। भैया आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम आएगी जो मैच होगा उड़ा के ले जाएगी, चलो अभी हाँ तुरंत के तुरंत मैं आपको बता देता हूँ। बस उससे पहले भाई के चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर डालो, और जिन लोगों ने पहले से कर रखा उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। देखो भैया सारी एनालिसिस करने के बाद जो मैच है ना वो 35 एंड 65 का, 35 एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन, 65 त्रिनबागो नाइट राइडर्स। तो अगर आप यहाँ पे चाहें जो मजबूत टीम है त्रिनबागो नाइट राइडर्स उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है जो आज का मैच है एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन अपने नाम पे कर सकता है। देखो इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो मेरे साथ आ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो आज का मैच है एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन अपने नाम पे कर सकता है। बाकी आप मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि देखो भैया टेलीग्राम पे हम जिस टीम को बोलते हैं ये टीम मैच जीत सकती है लगभग वो टीम मैच जीत जाती है, जिस ओवर में बोलता हूँ बिगड़ जाएगा लगभग उसी ओवर में बिगड़ जाता है, 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलता हूँ बनने के लिए ना लगभग उतने ही रन बनते हैं। तो इतनी जबरदस्त अपडेट कहीं मिलेगी आपको, कहीं भी ना मिलेगी, आपको यकीन नहीं है, ओहो ऐसी बात है। तो ऐसा करो अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिलेगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, ज्वाइन करो। जो आज का मैच है एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स वर्सेस त्रिनबागो नाइट राइडर्स, इसमें जो भाई की अपडेट है वो आपको चेक करना है। सारी अपडेट अगर आपको सही मिलती है, मेरा काम पसंद आता तो टेलीग्राम पे बन जाना, ठीक जाना, कहीं जाने की जरूरत है बिल्कुल भी ना है। हाँ काम पसंद ना आए तब आप वापस आ जाना, तब आपको कोई रोक भी नहीं पाएगा, लेकिन एक बार टेलीग्राम पे जाएं भाई का काम चेक करें, फिर जैसा सही लगे वैसा करना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।